कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की थी, लेकिन मैं किसी बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन, यही बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्में ऐसी, मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक, मैं हर जगह जहाँ भी हाँ खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा, चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आई वॉन्ट टू बी विद द पुअर पीपल, आई टू स्टैंड बाय द पुअर पीपल, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर पुअर पीपल। बाकी रह गई बात यहाँ की, यहाँ के आपने देखा ही हो क्या कमाल का बनाए थे, कैलाश जी हैं हमारे, उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके, दिलीप दा जो हमारे यहाँ के बहुत क्या सीनियर लीडर्स हैं, दे हैव मेड बीजेपी इनटू ए ग्रेट सक्सेस, एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर, एंड इफ वी कैन ऑल फुलफिल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. That's it. Thank you very much. पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।